भैया 6.2 धर्म क्या है? 6.2 है आपका, क्या कह रहा है? इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, बाबू इफ अ लाइन ठीक, अ लाइन इफ अ लाइन लाइन ठीक डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ठीक इन द सेम रेशियो, समान रेशियो में, मैंने क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा, हाँ यदि कोई रेखा, इफ अ लाइन मैंने यदि कोई रेखा डिवाइड्स यानी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को हाँ विभाजित करती है, यानी कोई एक त्रिभुज किसी दो भुजाओं को विभाजित करती है इन द सेम रेशियो मैंने समान अनुपात में ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो मैंने क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी न भैया, तो मैंने गिवन में क्या होगा बाबू ध्यान दो, इफ अ लाइन पे लाइन के नाम लो हाँ लाइन एल, लाइन एल हाँ डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई ठीक ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट इस प्रकार ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन हो गया भैया, क्या गिवन क्या था बताओ यार थोड़ा, हाँ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एट पॉइंट डी एंड ई, भैया जो नाम जो आपके दिया है इफ अ लाइन, यदि इफ लगा है ना अ लाइन पे नामकरण किसका करोगे आप, अ लाइन की बात किया है इसका नामकरण करोगे आप, डिवाइड्स यानी टू साइड्स का नामकरण करोगे आप, कौन कौन से टू साइड्स हैं, ए बी एंड आप ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का नाम करोगे आप, ट्रायंगल ए बी सी तो दिया ही है आप ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की बात किया आप ए ट्रायंगल तो यहाँ ट्रायंगल की नामकरण करोगे, क्या करोगे और ट्रायंगल, और ट्रायंगल की बात किया है ना ये ट्रायंगल का नामकरण करना है आपको, बात समझ में बाबू हाँ, इन द सेम रेशियो और क्या बात किया है, सेम रेशियो में इतना हमें बात करना है गिवन में ठीक है ध्यान देना, उसके बाद दिया है देन तब द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब तब यहाँ देन उसके बाद किया है ना टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या आएगा डी पैरेलल द लाइन इज पैरेलल, जो लाइन है ये लाइन जो भी लाइन है ए लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो छह साइड बचा है उसके क्या होगा पैरेलल होगा, बात समझ में आए नहीं बात है, ये नामकरण करना है गिवन में, क्या क्या है गिवन में, ए है अब आप बताओ गिवन लिख लिया आपने, लाइन का नाम है लाइन एल लिख लो या डी ई लिख दो, अ लाइन एल डिवाइड्स, अ लाइन एल डिवाइड्स टू साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट्स डी एंड ई सच दैट सेम रेशियो बात है सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, इतना आप गिवन में करोगे, बात समझे बाबू, अब उसके बाद टू प्रूव, अब ये लाइन की बात किया है यह क्या होगा डी ई पैरेलल बी सी थर्ड साइड यही बचा है ना, बात समझ में आई नहीं है, अच्छा अब ये तो प्रूफ सेम है ही है, कैसे प्रूफ करोगे आप इसको, इसके लिए उल्टा मान लो कन्वर्जन, अब उल्टा मान लो लेट ना डी ई इज नॉट पैरेलल बी सी, डी ई इज नॉट पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है ठीक या ठीक,
तो डी ई डिवाइड्स ड्रा पैरेलल क्या है, ड्रा डी एफ पैरेलल बी सी। मान लिया आपने जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, एडी अपॉन डी बी तो होगा ही भैया, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी बाबू। क्वेश्चन सेकंड, बट गिवन क्या है, एडी अपॉन डी बी ए अपॉन ए सी भैया इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी न बाबू, ए आपका गिवन है, ए आपका बाई कंस्ट्रक्शन है, बात समझ में ना। अब ये बताओ ये दोनों चीज बराबर है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड से बराबर होगा। अब ये बात यहाँ आती है कि ए एफ अपॉन एफ सी, बात ध्यान देना, ए ई अपॉन ए सी, बात यह। अब बाबू समझो आप यहाँ से, अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए ई अपॉन ए सी है, अगर हम वन जोड़ दें, ध्यान देना क्या है, ठीक है देखो इधर जोड़ दें तो ए सी अपॉन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो भैया। हाँ तो अब यहां बात आई, देखो इधर आप जोड़ दीजिए इसको, ठीक है ये यानी क्या, एडिंग वन एफ सी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू क्या है, ए ई सी अपॉन ए, ठीक है। अब एडिंग वन बोथ साइड, जब वन एड करोगे आप एफ सी प्लस ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ए एफ भैया होगा, इधर भी क्या होगा ए सी अपॉन ए बाबू। अब इसको उल्टा कर दो, ए एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। अब हर तो समान है दोनों तरफ, इक्वल भी तो है भैया, है कि नहीं बाबू, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए ही होगा, लेकिन बताओ वही चीज है, यही चीज है। अब ये आपका इतना है और ये इतना है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी संभव है क्या, इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन एफ एंड ई आर कॉन्स्टेंट, एक ही बिंदु तभी संभव है ना, है एक ही बिंदु, तब क्या होगा, देन माने हमारा हो गया डी ई पहले बीसी, बात समझ में आया नहीं है। अच्छा नोट लिख सकते हो आप लोग इसको, पूरा दिखा सकते हो, दिखा दो बाबू, तो पहले पहले दिखा दो आप लोग, हाँ देखो आप लोग भैया देखो, जा क्या लिखोगे आप गिवन में, मैं क्या बोला गिवन में क्या लिखो, जो दिया है आपका, हाँ वही लिख दिया है, हाँ गिवन क्या दिया है, अ लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन का नाम लेना है येलो, तो क्या है गिवन, येलो लाइन, अ लाइन यल, ठीक है यल डिवाइड्स अ लाइन यल डिवाइड्स, ठीक है टू साइड्स साइड्स कौन कौन है भैया, ए बी एंड ए सी, ठीक है इसके साइड है हाफ अ ट्रायंगल ए बी सी को डिवाइड कर रहा है बाबू, सच दैट, ठीक है यानी तो सच दैट किस प्रकार डिवाइड कर रहे हैं, ए डी अपॉन डी बी डी बी ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या, ए अपॉन ई सी, ठीक भैया ये हो गया। अब प्रूफ क्या करना है आपको, डी ई पैरेलल टू बी सी, क्या करना है डी ई पैरेलल बी सी, बी सी ये प्रूफ करना है। अच्छा अब यहाँ प्रूफ के लिए हमें कुछ चाहिए, इसका उल्टा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा उल्टा, और प्रूफ तो सेम है, जो सेम प्रूफ है उसे प्रूफ क्या करोगे, ठीक है तो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन लिख लो आप, लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, पहले मान लीजिए माना डी ई इज नॉट पैरेलल, सुने भैया
टू बी सी, बी सी के पैरेलल नहीं है, इफ पॉसिबल, ठीक है। सो ड्रा डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ पैरेलल बी सी खींचा, ठीक बा। अब बाबू प्रूफ में आ जाओ, कहाँ आ जाओ प्रूफ में, ठीक। अब यह क्या है, डी एफ पैरेलल बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल बी सी, ये कैसे किया आपने बाय कंस्ट्रक्शन, क्या किया आपने बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ लिख दो क्या कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। नहीं भाई वैकल्पिक है, ठीक, ये आपने लिख दिया। अब जब ऐसा है तो आप जानते हो 6.1 थ्योरम क्या है, हाँ है ना बाबू। सो क्या होगा, एडी अपॉन एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या बाबू, एफ अपॉन एफ सी, कैसे बाय बीपीटी, बीपीटी कहा है तब, यही बाबू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट गिवेन क्या है, बट एडी अपॉन डी गिवेन ए अपॉन ई सी, एडी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी न भैया, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी एडिंग बोथ साइड वन, क्या होगा बाबू, ए एफ अपॉन एफ सी एफ सी न भैया इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ई सी बाबू। अब ये क्या एफ अपॉन एफ सी है, चलो इसको वन जोड़ दो दोनों तरफ, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड न भैया। अब बाबू क्या होगा, एफ अपॉन एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस वन, भैया एफ प्लस क्या होगा, एफ सी अपॉन एफ सी होगा भैया कि नहीं बाबू, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी बाबू। आगे क्या होगा, इसे मिटा दो आप लोग, क्या होगा भैया, ए सी कि नहीं बाबू, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ई सी न भैया। अब क्या करो, एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, दोनों का हर समान है बाबू, जब बराबर तो क्या होगा, सो एफ सी इज इक्वल टू ई सी। अब ये संभव है, कभी बताओ बाबू, एफ सी इज इक्वल टू इसी संभव है, बट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल व्हेन बाबू, यहाँ लिख दो इट इज इम्पॉसिबल, सीधा सीधा यह संभव नहीं है, बिकॉज इट इज पॉसिबल व्हेन, इट इज पॉसिबल यह संभव कब है बाबू, When EF and R coincide, E and F, EF R न भैया, hence DE parallel BC proved। बाबू जी तैयार हुआ कि नहीं आप लोगों का, अब कर लोगे जवाबी, कर लिया, चलो ठीक, धन्यवाद।